हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन ज्योग्राफी का 11वां पार्ट है और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय भूगोल के कुछ तथ्यों को देखते हैं। तो चलिए, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली तीन पर्वत श्रेणियां हैं, इनमें से आप चुनिए। अल्टाई खासी या खासी पटकोई तथा अराकन योमा। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा या अनई मोदी। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में है, मणिपुर या मेघालय। गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है, गुजरात या बिहार। कार्डेमम पहाड़ी कहां अवस्थित है, महाराष्ट्र या केरल। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, डोडा बेटा या महेंद्रगिरी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है, महेंद्रगिरी या अनई मोदी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, अन्नामलाई पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है, अन्नामलाई या कॉर्डेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, अनई मोदी या महेंद्रगिरी। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है एक ज्वालामुखी पर्वत या एक भ्रंश कगार। सबसे प्राचीनतम पर्वतीय श्रेणी कौन सी है, विंध्याचल पर्वत या अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, डोडा बेटा या गुरु शिखर। भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, सतपुरा या अरावली। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, अरावली या अजंता। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड या सिक्किम। और उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों को आप चयन करें।
उत्तर से दक्षिण की ओर। महादेव, सह्याद्री और सतपुड़ा, या महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा, सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? नीलगिरी पर्वत या सह्याद्री? सबसे बड़ा हिमनद कौन है? गंगोत्री या रुंडन? छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है या एक संप्राय भूमि है? पाट भूमि पाई जाती है। मध्य प्रदेश में या छोटा नागपुर में? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पंचमढ़ी या पारसनाथ? ये रहा कुल मिलाकर के, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुने, रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।